जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नौशीन फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव पेशावर। एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज द प्रेप अबाउट प्रेप सेंटर सर्विसेज, कि आपने प्रेप सेंटर से कौन सी सर्विसेज लेनी है। लाइक बेसिक जो सर्विस है प्रेप सेंटर से जो हम लेते हैं, इफ योर सप्लायर इज नॉट एग्री कि वो आपको FNSQ पेस्ट करके देता है आपके प्रोडक्ट पर, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको पैक ऑफ टू नहीं करनी, बंडलिंग अनबंडलिंग नहीं करनी, जस्ट आपने उसके ऊपर एक FNSQ पेस्ट करना है, तो कभी कभार आपको आपका सप्लायर भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सक रहा, देन यू नीड टू हायर थर्ड पार्टी, वो आपके लिए आपके FNSQ लेबल प्रोवाइड करते हैं। बट आई एम थिंकिंग इट्स नॉट अबाउट ओनली FNSQ। मोस्टली हमें ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं ऑन Amazon की जिसके हमने पैक्स क्रिएट करने होते हैं, लाइक पैक ऑफ वन, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री। पैक ऑफ वन भी ऐसा होता है लाइक कि आपने 3 units इन पैक ऑफ वन प्रोवाइड करने हैं या 4 units इन पैक ऑफ टू प्रोवाइड करने हैं। सो आपने इन चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट फाइनल करते वक्त मस्ट आपने इन चीज़ों को देखना है। नाउ प्रेप सेंटर विल चार्ज डिफरेंट चार्जेस। लाइक आपने एक सप्लायर से लीक केस 17 यूनिट्स का या 24 units, मोस्टली 12 यूनिट के इस केस की फॉर्म में आपको सप्लायर प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रोडक्ट, जैसे ही वो ब्रांड से लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उस 12 के केस को पैक ऑफ टू में चेंज करना है, लाइक आपके 6 packs बन जाएंगे केस ऑफ 12 के। सो इट इज कॉल्ड बंडलिंग अनबंडलिंग। फिर आपने ये देखना है कि अमेज़ॉन आपसे ये रिक्वायर तो नहीं करना कि आप करता कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको बबल रैप चाहिए, सो आपने उसको बबल रैप करना है, फिर आपका प्रेप सेंटर आपसे इसकी डिफरेंट चार्जेस लेगा अगर आपने उसको बबल रैप करना है। अगर कि बबल रैप नहीं करना है एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट पैक ऑफ टू, तो पैक ऑफ टू को वो आपके सिंपल पॉली बैग में बंद करते हैं, आपके लिए FNSQ पेस्ट करते हैं। पॉली बैग के चार्जेस मोस्टली जो चार्ज किए जाते हैं पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री क्रिएट करने के 0.7 to 0.8 समथिंग, एंड जो आपके FNSQ पेस्ट किया जाता है इट्स 0.3, इट्स इनफ, 0.3 to 0.223 इट्स इनफ। आपने अपने क्लाइंट के लिए आपने उसके ये चार्जेस को भी देखना है। अगर कि आपको एक प्रेप सेंटर की सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक उनके चार्जेस हाई हैं, देर आर लॉट ऑफ प्रेप सेंटर सर्विसेज प्रोवाइडर्स। लाइक आप गूगल पर जाएं, आप अपनी स्टेट, इट इज़ गुड टू गो कि अगर आपके स्टेट में ही आपको मिलता है आपको प्रेप सेंटर, लाइक आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी LLC है टेक्सास में, तो आपका अगर प्रेप सेंटर टेक्सास में है इट्स एक्सलेंट। आपने फाइंड करना है अपने ही रजिस्टर्ड स्टेट में अपने लिए प्रेप सेंटर। सो आपने चेक करना है अपनी प्रोडक्ट को बहुत एफिशिएंटली कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेप सेंटर सर्विसेज रिक्वायर्ड है। सो आपने किसी भी प्रोडक्ट को शिप करने से पहले आपने उसके चार्जेस काउंट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं कि इतने चार्जेस, लाइक आप अगर सिर्फ FNSQ पेस्ट करवाना है तो आपकी प्रोडक्ट पर कॉस्ट आएगी 0.3, लेकिन अगर आपने उसको बबल रैप भी करवाना है और आपने उसके पैक्स बनवाने हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस हाई होंगी। सो आपने कैलकुलेट करना है कि अब भी आप इसके साथ जाते हुए भी आपको प्रॉफिट निकलता है प्रोडक्ट में। सो प्रेप सेंटर सर्विसेज को की जितनी सर्विसेज हैं वो सब आपके सामने, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अल्लाह हाफिज़।